लॉकडाउन के दौरान भले ही फिल्मों का निर्माण रुक गया था, लेकिन अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए फिल्म मेकर से लेकर एक्ट्रेस और राइटर अपने हिस्से के कामों को पूरी तैयारी कर रहे थे। ऐसे में एक्टर टाइगर श्रॉफ ने न केवल अपनी फिटनेस पर काम किया बल्कि आने वाली कई फिल्मों की तैयारी भी वो कर रहे थे। और अब उनकी फिल्म गणपत की शूटिंग भी जल्द ही शुरू होने वाली है, जिसमें वो बॉक्सर के रोल को निभाते दिखेंगे। साथ ही इस फिल्म में टाइगर मुंबईया भाषा बोलते नजर आएंगे, जिसके लिए वो क्लास भी ले रहे हैं। और दूसरी ओर टाइगर श्रॉफ के साथ साजिद नाडियावाला हीरोपंती 2 भी बनाने जा रहे हैं। टाइगर की पहली फिल्म का नाम हीरोपंती था, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी, जिसके बाद टाइगर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब साजिद की इस हिट फिल्म के सीक्वल में अपनी नई पारी के लिए टाइगर बिल्कुल तैयार है। हीरोपंती 2 की स्क्रिप्ट रजत अरोरा लिखने वाले हैं, क्योंकि मसाला फिल्म लिखने में रजत माहिर है। फिल्में जैसे किक, डर्टी पिक्चर, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी सफल फिल्में रजत की कलम से ही निकली है। और खबरों के मुताबिक रजत हीरोपंती 2 की स्क्रिप्ट टाइगर की इमेज को ध्यान में रखकर तो लिख रहे हैं, साथ ही टाइगर को ऐसे किरदार के रूप में पेश करने जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया है। खबर ये भी है कि हीरोपंती 2 में टाइगर श्रॉफ एक जासूस की भूमिका में है। वो जासूसी करते हुए उलझी हुई बहुत बड़ी गुत्थी सुलझाएंगे। एक्शन टाइगर की फिल्मों की खासियत है, इसलिए हीरोपंती के सीक्वल में भी भरपूर एक्शन होगा, लेकिन बागी सीरीज से अलग होगा। बागी सीरीज में रॉ एक्शन होते हैं, वहीं हीरोपंती 2 में स्टाइलिश एक्शन होगा। और अहमद खान द्वारा निर्देशित ये फिल्म अगले साल 2021 में रिलीज होगी।